Hello everyone, this is Jyotsna Singh and welcome back to my channel. So today's topic is going to be very interesting. अक्सर आपने देखा होगा कि होली खेलने के बाद हमारी स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई और डैमेज हो जाती है और छुट्टियां ख़त्म होने के बाद हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि अपनी स्किन को रिपेयर करने के लिए हम सैलून या पार्लर जाकर अपना क्लीन अप या फिर फेशियल करवाएं. सो टुडे आई एम गोना शो यू अ स्किन ब्राइटनिंग होममेड क्लीन अप विद ओनली 3 इंग्रेडिएंट्स विद वेरी सिंपल एंड ईजी स्टेप्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. But don't forget to like, share and subscribe to my channel. So let's get started. सबसे पहले हम एक बाउल में शुगर लेंगे एंड स्मॉल साइज टमाटो का पल्प आपको स्क्वीज करके अच्छे से उसको निकालना है और एक मिक्सिंग के लिए एक पेस्ट बना लेना है. ये हम स्क्रबिंग के लिए रेडी कर रहे हैं ये पेस्ट. मैं फिंगर्स से मिक्सिंग करना ज़्यादा पसंद करती हूँ इंस्टेड ऑफ स्पून. तो सबसे पहले यू हैव टू वॉश योर फेस विद योर फेवरेट क्लेंजर और फेस वॉश टू रिमूव एक्सेस डर्ट और ऑयल. उसके बाद आपको अपना फेस नॉर्मल टैप वाटर से वॉश कर लेना है. फेस वॉश करने के बाद आपको टॉल से पैड ड्राई करना है. डोंट रब योर टॉल ऑन योर फेस. इजीली आपको जेंटली पैड ड्राई करना है आपको अपना फेस. उसके बाद जो हमने स्क्रबर तैयार किया था वो स्क्रबिंग हमें लेनी है और अपने फेस पे करनी है. हनी और शुगर का पेस्ट जो हमने टमाटो और हनी का जो पेस्ट हमने तैयार किया था वो पेस्ट हमें अपने फेस पे लगाकर जेंटली मसाज करनी है क्योंकि शुगर के ग्रैनुल्स थोड़े से थिक होते हैं. तो आपको ज़्यादा तेज़ आप अगर मसाज करोगे तो आपको हर्ट भी कर सकते हैं. आप सोच रहे होंगे कि टमाटो और शुगर हमने क्यों मिक्स किया है. क्योंकि टमाटो इज़ अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी एंड एंटी ऑक्सीडेंट एंड इट ऑल्सो फाइट्स एक्ने एंड डार्क स्पॉट्स. और टमाटो एक एस्ट्रोजन का काम भी बहुत अच्छा करता है. और अब बात करते हैं कि शुगर हमने क्यों मिक्स किया था. क्योंकि शुगर इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ रिमूव सन डैमेज एंड एजिंग स्किन और ये हमारी स्किन को ब्राइट करने में भी काफ़ी हेल्प करती हैं. इसे मसाज करने के बाद आपको नॉर्मल अपने टैप वाटर से ही प्लेन वाटर से ही अपना फेस वॉश कर लेना है. फेस वॉश करने के बाद अब मैं यूज़ कर रही हूँ हनी. ये मेरे पास रॉ हनी है, मैं रॉ हनी यूज़ कर रही हूँ. अगर आप चाहो तो आप अपने घर में जो आपके अवेलेबल होगा नॉर्मल हनी भी आप यूज़ कर सकते हो, चाहे वो डाबर का हो चाहे कोई भी हो. मेरे पास रॉ हनी था इसलिए मैं रॉ हनी यूज़ कर रही हूँ. रॉ हनी मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि रॉ हनी एक नेचुरल इन एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं हनी में. इट ऑल्सो ग्रेट फॉर एक्ने ट्रीटमेंट एंड इट फुल ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट. ये हमारे स्किन के कॉम्प्लेक्शन को भी बूस्ट करता है और हमारी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज भी करके रखता है. अगर कभी आपके पास फेस वॉश ना हो तो आप हनी से भी अपने फेस को वॉश कर सकते हो क्योंकि हनी एक नेचुरल क्लेंजर भी होता है. इस तरह से आपको जो भी मसाज करें आप अपने फेस पे हमेशा अपवर्ड मोशन में करें. अपवर्ड मोशन में मसाज करने से क्या होता है, आपकी स्किन अपलिफ्ट होती है और स्किन आपकी टाइटन होती है. अपने चिन एरिया पे और अपने फोरहेड पे आपको जिगजैग में मसाज करनी है. जिगजैग मोशन में मसाज करने से क्या होता है कि आपको फाइन लाइंस आ जाते हैं फोरहेड पे या चिन पर या अराउंड योर माउथ. तो उससे क्या होता है कि आपके फाइन लाइंस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं. तो इसलिए हमेशा जिगजैग मोशन में मसाज करें अपने चिन पर, अपने माउथ के पास और अपने फोरहेड पे. पिंच करने से, चिक्स पिंच करने से आपके ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है. इस तरह से मसाज करने से आपके चीक्स की जो स्किन है वो टाइटन होती है और आपके आईज के पास जो फाइन लाइंस आते हैं वो भी कम हो जाते हैं. जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं आपको इसी तरह से मसाज करनी है.
स्किन टाइटन रहेगी तो आपका कॉम्प्लेक्शन और ज़्यादा ब्राइट और ग्लोइंग दिखेगा, आपकी स्किन उतना ज़्यादा ग्लो करेगी। उसके बाद आपको नॉर्मल टैप वाटर से अपना फेस वॉश कर लेना है, पैड ड्राई करना है। आप देख सकते हो स्किन काफ़ी हद तक क्लियर दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि मेरी स्किन जैसे ब्रीथ कर रही है। उसके बाद हमारा क्लीनअप तो डन हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, लेकिन क्लीनअप कंप्लीट करने के बाद हमें अपने फेस को ऐसे ही नहीं छोड़ना है। हमारे पोर्स जो क्लोज ओपन हो चुके हैं उसको क्लोज करने के लिए मैंने टोनर यूज़ किया है। टोनर यूज़ करने से हमारे जो ओपन पोर्स हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, और इससे हमारे फेस का पीएच बैलेंस भी मेंटेन रहता है। उसके बाद आप अपना कोई भी फेवरेट मॉइस्चराइज़र आप यूज़ कर सकते हो। मैं गुड वाइब्स का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ, लेमन एंड बेसिल का। मैं मॉइस्चराइज़र इसी तरह यूज़ करती हूँ, आप भी आप चाहो तो आप अपने स्टाइल में यूज़ कर सकते हो। आप जितना अच्छे से अपने स्किन को मॉइस्चराइज़ करके रखोगे, फाइन लाइंस और रिंकल्स की प्रॉब्लम उतनी ही कम होंगी आपके फेस पर, क्योंकि जितना ज़्यादा स्किन ड्राई रहेगी उतनी फाइन लाइंस और रिंकल्स आपके फेस पर जल्दी आएंगे और एजिंग विजिबल होगी आपके फेस पर। तो इसलिए कोशिश कीजिए, चाहे विंटर्स हो चाहे समर, आप अपने स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करके रखिए। और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप टोनर और एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है समर्स में भी, तो आप कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं जो कि नॉन ग्रीजी हो। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, हमेशा अपवर्ड मोशन में ही मसाज करें आप। और फाइनली आप अपने लिप्स पर लिप बाम से आप अपने लिप्स को मॉइस्चराइज कर सकते हैं। ये क्लोजअप मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप देख सकते हो कि स्किन कितनी क्लियर हो चुकी है। वीक में एक बार भी आप ये क्लीनअप करोगे तो आपका काफ़ी कॉम्प्लेक्शन ब्राइट हो जाएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।